नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं मुद्दा। मुद्दा आपका, मैं आज जो मुद्दा मैं लेकर आया वो सीधा पंजाब से लेकर आया और पंजाब से लाए इस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे जानी मानी चर्चित पार्टी देश के प्रांतों को किस तरीके से तौल मोल रही है इसको लेकर चर्चा हो रही है। किस तरीके से कभी राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष साउथ में जाते हैं और कहते हैं कि यहां लोग ज्यादा समझदार हैं, नॉर्थ में थोड़ा सा कम है, और आज पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के आला कमान के सामने प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने कहते हैं कि भैया को आने नहीं देना है, भैया को यहां बिल्कुल आने नहीं। एक और शब्द का वो जिक्र करते हैं, हालांकि वो शब्द पंजाबी में है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया यह आप लोग बेहतर से समझते हो। इसके साथ ही आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भैया के नाम पर ये नैया पार होगी और ये भैया के नाम से भय कैसा है भाई। और प्रियंका गांधी वाड्रा, जब उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान हो रहा था, जब उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करते हुए हंसी के साथ ठहाके लगाए जा रहे थे, तब प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर ताली बजा रही थी। ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं कांग्रेस की, और साथ ही साथ कभी मुरादाबाद को अपनी ससुराल बताती तो कभी पंजाब को अपनी ससुराल बताने लगती। लेकिन आज सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने जब उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा था तब प्रियंका गांधी ठहाके क्यों लगा रही, प्रियंका गांधी तालियां क्यों बजा रही थी, और क्या कांग्रेस की एक ही पॉलिसी रह गई है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? क्या राहुल गांधी ने जो सदन में बयान दिए थे, सदन में उनकी जो स्पीच थी, यूनियन की बात ज्यादा कर रहे थे, कह रहे थे राष्ट्र नहीं है, नेशन मत मानिए इसको, ये यूनियन समझिए, तो क्या यूनियन वाली टीका टिप्पणी पर आवाज चुके हैं? क्या पंजाब उत्तर प्रदेश से ऊंचे है? क्या साउथ जो है, दक्षिण जो है भारत का, वो उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडियन से ऊपर है, उत्तर भारतीयों से ऊपर है? क्यों अपमान किया जा रहा है बार बार, और कांग्रेस किस पॉलिसी के तहत ये पूरा एजेंडा चला रही है? किस पॉलिसी के तहत एक प्रांत में दूसरे प्रांत की बुराई, दूसरे प्रांत में तीसरे प्रांत की बुराई, और क्यों आखिर एक संपूर्ण राष्ट्र के अंदर अलग अलग प्रदेशों को तोलने मोलने की यह कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा? और कांग्रेस के इस बयान के बाद तमाम दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे थे, और बाजू में जो खड़ी हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, और किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के अपमान पर ठहाके लगा रही थी और किस तरीके से उत्तर भारतीयों के अपमान पर तालियां बजा रही थी। इस वीडियो को चलाएंगे और देखिएगा कि क्या है पूरा मसला। साडी पंजाब है, पंजाबियों की बहू है, इसलिए तगड़े हो गए एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे से राज करते ना बड़ निकलो पंजाब दे। साडी पंजाब है, पंजाबियों की बहू है, इसलिए तगड़े हो गए एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे से राज करते ना बड़ निकलो पंजाब दे। कई दफा तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं, कई दफा, तो ऐसे में आज ये तस्वीर जो है ये भी बहुत कुछ अपने आप में बयान कर रही है। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अपने ही मुखौटे को अब ज्यादा संभाल नहीं पा रही। ये प्रियंका गांधी वाड्रा वही वाड्रा हैं जब ये पूरी कलाकारी हो रही थी, जब उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित किया जा रहा था और भैया कहकर किस तरीके से एक डेरोगेटरी रिमार्क उनके ऊपर दिया जा रहा था, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी। कहा जा रहा था उत्तर वाले भैयाओं को, उत्तर प्रदेश के भैयाओं को यहां घुसने नहीं देंगे। किस तरीके से एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश की खिलाफत की जा रही थी और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी।
और यही प्रियंका गांधी वाड्रा उसी घटना के दो घंटे बाद वाराणसी में लोगों से कहती मिली कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, कांग्रेस को वोट कीजिए। तो ये दो चेहरे तो अब चलने वाले हैं नहीं देश में। ये दो चेहरों के पीछे का राज क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, एक पैनल जुड़ेगा। आपका मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले बैभव जायसवाल साहब हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। भूदेव शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हैं, और साथ ही साथ शिल्पी चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। संदीप दुबे साहब हैं, बीजेपी से हैं। सबसे पहले तो भूदेव शर्मा जी, आज आप ही पर आएंगे। बहुत दिनों से आप सेफ सेफ खेल रहे थे, बहुत दिनों से आप जो हॉट मुद्दे थे, गर्मा गर्म जो कढ़ाई से निकाले हुए मुद्दे थे, उनसे आप दूरी बनाए हुए थे। इसमें बीजेपी गर्मी निकाल रही थी तो समाजवादी पार्टी चर्बी निकाल रही थी, लेकिन आप बड़ा सेफ प्ले कर रहे थे। लेकिन आज जब आपने खेला है तो सीधे तौर पर दिखा दिया भूदेव शर्मा साहब कि आपके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। ये यूनियन वाली बात सदन में यूं ही नहीं कही गई थी। कभी राहुल गांधी दक्षिण भारत में जाकर कहते हैं कि दक्षिण भारतीय कितने ज्यादा बुद्धिजीवी हैं उत्तर भारतीयों से अगर कंपैरिजन किया जाए, और आज प्रियंका गांधी जी तालियां बजा रही थी मानो चन्नी साहब ने क्या बात कह दी हो, क्या मुशायरा पढ़ दिया हो, क्या शायरी पढ़ दी हो। जब उत्तर प्रदेश का अपमान हो रहा था तब यही प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की बेटी खुद को कहती हैं, वहां तालियां पीट रही थी। ये कौन सा दूसरा चेहरा है, क्या राज है जो कांग्रेस दबाए हुए है? कांग्रेस क्या प्रदेशों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहती? कुछ नहीं बचा क्या आपके पास? अब कोई एजेंडा नहीं बचा? देखिए काविंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डिवाइड एंड रूल का जो खेल खेलता है, डिवाइड एंड रूल पे जो चुनाव लड़ते हैं, वो पूरा देश जानता है, पूरे देश के लोग जानते हैं। देश आज देख रहा है, कई बार बोला नहीं, पूरा देश देख रहा है। मैं उसी बात पे आऊंगा। अगर शायद आपने आज ये पूरे वक्तव्य को सुना होता चन्नी जी के को, तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं करते। आपने पूरे उनके जवाब को नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की जो रैलियों में यूपी बिहार और दिल्ली से भरकर के जो लोग लाए जा रहे हैं, और उनके द्वारा एक नेगेटिव परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है पंजाब में, उन लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही है। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से असम तक एक भारत है हमारे लिए। हम कभी डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं करते। गुजरात से असम तक है, नहीं आपके लिए वेस्ट बंगाल तक होगा। आपके लिए होगा, नहीं आपके लिए गुजरात से वेस्ट बंगाल तक होगा। हमारे लिए गुजरात से लेकर असम तक है, नहीं बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विकास के लिए हमेशा कार्य किया है। सुनिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी जो मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है, आप अगर उसे तोड़ मरोड़ करके पेश करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता अब बेवकूफ नहीं रही है कि आप सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू आप उसको एक गलत तरीके से पेश करना चाहें। उनका क्या आशय है उसको हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हो या भगवत मान जी की जो सभा है उसमें जो बाहर से लोगों को भर करके एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा किया जा रहा है। आप याद रखिए कांग्रेस जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के विकास के लिए काम किया है। कभी भी 80 और 20 की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। केवल विकास को लेकर के हम राजनीति करते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाते हैं। ठीक है भूदेव शर्मा साहब, आगे चलूंगा अपने अन्य मेहमानों के पास, लेकिन एक चीज और बताइएगा। कभी कभी गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मुझको जाकर जवाब देना है और ये लोग किस तरीके की टीका टिप्पणी कर देते हैं, किस तरीके से बात कर देते हैं, किस तरीके से। अभी आप मुझे एक मिनट रुकिएगा। अभी आपने जैसे कि बोला कश्मीर से कन्याकुमारी, एक फ्लो है, पूरा भारत ऐसे ही बोलता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे ही बोलता है पूरा देश। लेकिन राहुल गांधी साहब ने वेस्ट बंगाल कर दिया, आप भी वहां पर अटक गए, अभी तो क्रोध आता है मन में। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी जब तालियां बजा रही थी तो आपको क्रोध आ रहा था। आप तो यहां डिफेंड करेंगे वो ठीक है, लेकिन क्रोध आता है नहीं, हमें क्यों क्रोध आ रहा था? अरे हमने पूरे वाक्य को सुना है काविंद्र जी, आपने नहीं सुना। कभी आप बिक्री के मैटर पर खिंचाते हैं, मालवीय जी ने जो पेश किया है आपने के मैटर पर सुना है। मैं जब पूरे के पूरे वाक्य को सुना है तब आप वहां घिरते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं पूरा समझिए। नहीं पूरा मत समझाइए आप, नहीं पहले आप समझिए ना, आप टुकड़े में क्यों समझते हो इसका? पहले राजनीति करने का काम हमारा नहीं है। नेताओं को मेल कीजिए कि पूरा समझ के बढ़िया से बोले, ऐसे मत बोले। नहीं हमें जरूरत तो नहीं है, हम समझ रहे हैं। उन्होंने रिसर्च करने के लिए कोई नहीं बैठा। राजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, आप भी उस बात को एक गलत
तरीके से पेश मत कीजिए, क्योंकि आपको भी देश के लोग सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी बात को गलत तरीके से पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता ही वोट दे रही है, आम जनता समर्थन दे रही है। निश्चित तौर पर 10 मार्च को ये दिखाई देगा। चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है। बिल्कुल संदीप दुबे साहब भी मेरे साथ बीजेपी से, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। इनसे जब सवाल किया गया संदीप जी, तो इनका सीधा कहना है कि दरअसल ये जो बीजेपी वाले जो हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश से लोगों को लेकर आ रहे हैं। ये टीका टिप्पणी तो दरअसल उस पर थी। थोड़ा सा खोजिए, घंटा भर बैठिए, पूरा समझिए, एक एक लाइन एक एक शब्द को देखिए। उनकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो गलत समझ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप समझो बेहतर। हमारे नेता ने जो कहा वो तो 24 कैरेट गोल्ड का सोना है, एक एक शब्द तौल तौल कर बोला है। आपकी गलती आप समझ नहीं पा रहे। संदीप जी देखिए, मैं बुद्धे भाई को कहूंगा कि आज बहुत आपने जिस तरह से डिबेट को घुमा दिया, मैं तो ये इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की बेटी के सामने पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी है और उसके सामने अगर उसके ससुराल में या मायके में जो भी लगता हो, अगर वहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है और उसको अपमान को छुपाने का काम बुद्धे भाई कर रहे हैं, तो बुद्धे भाई भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना चन्नी भाई जिम्मेदार है, बुद्धे भाई उतने ही जिम्मेदार हैं जितना हमारी प्रियंका दीदी जिम्मेदार है, बुद्धे भाई उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कांग्रेस जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी के बाद भी इनको हंसी इसलिए आती है कि बिहार में तो कुछ है नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं खाता भी नहीं खुलेगा, तो क्या करना भाई, गाली दे दो। बिहारी और यूपी के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, गाली सुन लेंगे, उनको बुरा भला कह लो, वो कुछ बोलेंगे नहीं, और बोलने के बाद उनके ऊपर राजनीति होगी। मुझे लगता है कि राजनीति का ये अवसर ठीक नहीं है, और कांग्रेस हमें लगता है इस अवसर के बाद अब पंजाब में भी आने वाली नहीं। आज वो अंतिम किल था, उन्होंने ठोक दिया। और वोट के लिए आप कितना गिरोगे, क्यों किसी की बुराई करने की आवश्यकता है, क्यों किसी के बारे में इतना गिर के बात करने की आवश्यकता है, किसी समाज के बारे में या किसी प्रदेश के लोगों के बारे में। हम क्या एक दूसरे के लिए बेहतर के लिए नहीं खड़े हैं, हम एक दूसरे के अपमान के लिए खड़े हैं। और अपमान करके अगर वोट प्राप्त करना है तो कांग्रेस को ऐसी वोट मुबारक हो, कांग्रेस को ऐसी जीत भी मुबारक हो, कांग्रेस को ऐसे लोग मुबारक हो, कांग्रेस को ऐसा नेता मुबारक हो, कांग्रेस के जो लोग जितने अनुयायी हैं, जो कांग्रेस में नेता ढूंढते हैं, ऐसे ही अनुयायी हैं जैसे अनुयायी बुद्धे भाई है, वैसे उनके नेता है वो भी वैसे ही अनुयायी है। तो मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करूंगा, बुद्धे भाई मेरे मित्र हैं, साथी हैं, और विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस को संभाल लेते हैं, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं इनकी काबिलियत पे बहुत जोरदार ताली बजाऊंगा, और मुझे भी हंसी आ रही है आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लोग, कांग्रेस के बिहार के लोग, जो कार्यकर्ता है उनको आज शर्मिंदा होके आज अभी इसी वक्त 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी का परित्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसे ही अपमान होता रहा तो आप किस मुंह से उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट मांगने जाएंगे, बिहार के लोगों से वोट मांगेंगे? ठीक है शिल्पी चौधरी जी, शिल्पी जी सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप पूरी आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारा है, आप उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी भी हैं, आपके पुराने संगी साथी और आजकल के हाय बाय वाले जो दोस्त हैं, वो ये जो तोड़ने वाली जो बातें करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना रिमार्क दीजिएगा। देखिए मेरा रिमार्क यही है, ना तो राहुल गांधी जी ना ही प्रियंका गांधी जी ना समझ हैं, ना ही जनता ना समझ वो है। ये जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप अपनी बात ना डालिए। मीडिया जो काट कतर ब्योंत करके चीजें चलाती है उस पर मैं नहीं जाऊंगी, ना उस पर मैं कोई वर्डिक्ट दूंगी। कोई भी ये दोनों नेता गंभीर नेता हैं, और वहां से आपने अखिलेश यादव ज्यादा गंभीर है या प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा गंभीर है? निसंदेह अखिलेश यादव ज्यादा गंभीर है, मतलब कम गंभीर है, निसंदेह वो ज्यादा गंभीर है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि प्रियंका जी ने कोई ऐसी बात कही। मीडिया पर हमारा कतई विश्वास नहीं है, मैं ऐसी कोई रील जब तक मैं पूरा मतलब आप इसको सपोर्ट कर रही हैं, मतलब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि पंजाब में, आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रही हूं मैं, आप मीडिया वालों की बात पर विश्वास नहीं कर रही हूं, स्पष्ट है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश करते रहे। आप अपनी हिस्ट्री भी तो देखिए, हमारे हाय भाई वाले दोस्तों की आप बात कर रहे हैं, मतलब दिल में प्रेम है अभी भी, हम नहीं जानते हैं कांग्रेस के लिए, क्यों ना हो प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे अंदर हर पार्टी के प्रति प्रेम है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हमारे पास उसके लिए प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो पाकिस्तान भी है, बिल्कुल
उसके लिए भी प्रेम है। पाकिस्तान के बगैर आपकी डिबेट पूरी नहीं होती। नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा जो भी इनके खिलाफ इलेक्शन है, आपने कहा शिल्पी जी जो भी खिलाफ है, शिल्पी जी पाकिस्तान में आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं, शिल्पी जी शिल्पी जी शिल्पी जी सरकार बनाने जा रही है, शिल्पी जी शिल्पी जी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, शिल्पी जी मेरी एक बात समझिए, कावेंद्र जी जो भी भूदेव जी बिल्कुल आपके पास आ गए, आप क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पार्टी है हिंदुस्तान की, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक ऐसी बातें करते हैं आप, एक मिनट रुकिए भूदेव जी, शिल्पी जी ये बताइए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का जो भी खिलाफ है वो हमारे दिल में, मैंने कहा पाकिस्तान जी आपको ये बताना चाहिए, आप ये बताइए पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की पार्टी है या भारत की पार्टी है, पाकिस्तान आप लोगों को क्यों याद आता है, हमें तो नहीं याद आता, अरे आपको जिन्ना याद आता है, मैडम आप छोड़िए, मुझे लगता है मुझे बीजेपी वालों को भी याद आता है, मजाक नहीं है भूदेव जी, रुकिए आप समाजवादी पार्टी में नहीं, आप भूल रहे हैं, नहीं मैं इस देश का नागरिक हूँ, पाकिस्तान की बात आती है भूदेव जी, आप समाजवादी पार्टी में नहीं है, जब आ जाएंगे तब जवाब दीजिए, पाकिस्तान आप जैसे ईमानदारों का जवाब, मैडम देखिए देखिए मैडम, मैंने एक सवाल किया आपसे, आप सवाल किया, अगर आप फंस गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप एकदम उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे इतना बताइए आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप उंगली दिखाएंगे कुछ उससे कोई फायदा नहीं, आप उंगली दिखाने से क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, शिल्पी जी कूल डाउन, नहीं मिला शिल्पी जी कूल डाउन, आप पाकिस्तान के नाम पर मैंने आपसे भक्त हैं भाई, भक्त हैं, बर्दाश्त नहीं होती है, पैसा मिलता है बीजेपी से, जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ से कुड़कुड़ाहट आप लोगों को आ रही है, भाई हमारा जवाब सुनिए ना, हमने आपको जवाब दे दिया, हम आपके अनुसार क्यों जवाब आपके देंगे, साथ समस्या ये है, अनुसार जवाब देंगे, देखिए सबसे पहले हमारे साथ नहीं समस्या आपके साथ है, देखिए सबसे पहले तो आपके साथ है, अपनी समस्या समझिए, सबसे पहले तो एक बात सुनिए, आपको याद आता है, सबसे पहले तो एक बात सुनिए, आपकी बात क्यों सुनूं, आपने मेरी बात सुनी, आप मेरी बात में पाकिस्तान और जिन्ना लेके आए, क्यों लेके आए, पाकिस्तान में हमारा चुनाव हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के विपक्ष में बैठी है, आप हमसे जवाब लीजिए, भारत के लिए इतना लंबा बोल लेंगी तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं हो जाएगा, मैडम रुकिए दो मिनट के लिए, अरे आप जैसे रुकिए पत्रकारों का नाम, अरे आपसे सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए शिल्पी जी, रुकिए एक मिनट रुकिए शिल्पी जी, थोड़ा सा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शिल्पी जी, मैं आपसे बहुत सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शिल्पी जी, बहुत इज्जत के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बहुत हाईएस्ट डिसेंसी मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आपने कहा जिस बात को मैं बता देता हूं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, आप गलत जगह लेकर इसको, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से जो भी नफरत करता है वो हमारे दिल में है, तो मैंने सोचा कि शायद आप गलत, बिल्कुल पाकिस्तान भी नफरत करता है, आतंकवादी भी बहुत सारे उनके खिलाफ बोल जाते हैं, तो सब आपके दिल में थोड़ी ना हो सकते, नफरत होगी थोड़े दिल में थोड़ी ना हो सकते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो, हम उसके साथ हैं, ठीक है, असदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी भी, असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, वो भी आपके दिल में है, वो भी आपके, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आपके दिल में है, पूरा AIMIM भी आपके दिल में है, पाकिस्तान बगैर आपकी डिबेट नहीं, आ गए डिबेट करने और कहते हैं हमको ईमानदार न कहिए, बैटिंग कर रहे हैं भारतीय, अरे मुझको ईमानदार आप मत कहिए, आपको मैं ईमानदार कह देता हूँ, आप बहुत ईमानदार है, आप इतनी ईमानदार है कि आपकी ईमानदारी का मेरे पास कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, अरे ठीक है उधर मत ले जाइए, पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए, क्यों क्यों नहीं कर दें, अरे आप करेंगे हम नहीं करें, आप करेंगे तो हम नहीं करें, क्यों पाकिस्तान को लेके आया बीच में, पाकिस्तान में कौन सा चुनाव हो रहा है, जवाब लीजिए यहाँ के लिए, ठेकेदारी दुनिया की ना लीजिए, ठीक है, अब आप बताइए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से जो भी नफरत करता है वो आपके दिल में रहता है, दो चीजों का जवाब दीजिए, बिल्कुल रहता है, पाकिस्तान बहुत बार इनके खिलाफ बोल चुका है, क्या वो आपके दिल में है, दूसरी चीज AIMIM असदुद्दीन ओवैसी इनके खिलाफ बोलते हैं, क्या वो आपके दिल में है, अकबरुद्दीन ओवैसी इनके खिलाफ बोलते हैं, क्या वो आपके दिल में है, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया PFA इनके खिलाफ बोलता है, क्या वो आपके दिल में है, PFA चलिए ठीक है, निष्पक्ष पत्रकार, ठीक है PFA, सो निष्पक्ष सो न्यूट्रल ओवैसी जिन्ना पाकिस्तान, आपको थैंक यू सो मच, आप निष्पक्ष बोल रही है, थैंक यू सो मच, लेकिन आप यही तो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती है कि पूरा माहौल जा रहा है भैया समाजवादी पार्टी कहीं से कुछ निकालिए, प्रियंका को बदनाम करिए, राहुल को कुछ कहलवाइए, क्यों कहें, अरे मैडम आप कांग्रेस में नहीं, आप कांग्रेस को इतना डिफेंड क्यों कर रही हैं, आप समाजवादी पार्टी में भी हो, आप अभी कांग्रेस में नहीं गई हैं, आप अभी कांग्रेस में नहीं गई हैं, अभी रुकिए थोड़ा सा, आप कांग्रेस को कितना ज्यादा डिफेंड कर रही हैं, कावेंद्र जी ठीक है, भूदेव जी बस आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है आगे बढ़ता हूँ, ये आप जवाब नहीं दे रही, आप भड़क रही है, आप जवाब नहीं दे रही है, आप गुस्से में आ रही है, आप अखिलेश यादव देखिए आपके पीछे वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप थोड़ा सा मुस्कुराइए मैडम, थोड़ा सा
थोड़ा सा मुस्कुराइए वैभव जायसवाल साहब भी हमारे साथ हैं। वैभव जायसवाल साहब, सबसे पहले तो भूदेव शर्मा ने ओपनिंग रिमार्क में एक बात बोली जिसको आप थोड़ा सुन लीजिए। वैभव जी, भूदेव शर्मा साहब ने बोला कि ये जो बात कही गई थी भैया को लेकर, ये दरअसल समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की रैली में जो भीड़ दिख रही है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली यहां वहां से लाई जा रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। इस पर आपका टेक क्या है? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही होगी? बिल्कुल। मैं आपसे एक मिनट का समय ज्यादा लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि सभी पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी हुई भारत की सर्कस वाली पार्टी हो चुकी है, और आज कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद जिस तरीके से जनता के बीच अपने जनाधार को खोई है, और चन्नी जी के बारे में तो कुछ कहना ही, मतलब मैं क्या कहूं। वो एक ऐसे व्यक्ति, वो पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, क्योंकि गिनाने के पास इनके पास है नहीं कुछ। इनके राजा कैसे आपस में लड़े ये हम सब ने देखा है। और उसके बाद जब चन्नी साहब को कमान दी गई तो चन्नी साहब को तो सूली पे चढ़ा ही दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब चन्नी साहब के पास कुछ बचा नहीं, कभी केजरीवाल जी को वो गाली देते हैं, कभी काला कहते हैं, कभी उनके कपड़ों पे। आप बताइए कि ईमानदार मुख्यमंत्री, क्या ये जरूरी है कावेंद्र जी कि वो इनके तरह पैसों पे खेले और महंगे महंगे कपड़े पहने तभी वो मुख्यमंत्री कहलाएगा? शर्म नहीं आती कांग्रेस के सीएम को कि कहते हैं कि दिल्ली के सीएम को 5,000 रुपए मेरे तरफ से भेज दो, पहले ढंग का कपड़ा पहने। और इस तरीके के बकवास करने वाले लोग, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय सर्कस पार्टी हो चुकी है। और जिस बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था इसको आप तोड़ने वाला स्टेटमेंट मानते हैं, क्या मानते हैं इसको? इतना नहीं 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 नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, ये क्षम्य नहीं है। बहुत से राज्य हैं, हर वक्त, मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि राज्यों को तोड़ने वाली बात है ये? नहीं, ये पूरे भारत को तोड़ने की बात है। भारत को तोड़ने की बात है, ठीक है, ठीक है। वैभव जी, आज ठीक है वैभव जी, जब अभी मैं देख रहा था कि कुमार विश्वास साहब ने भी एक बात बोली है। कुमार विश्वास साहब ने एक मेमोरी को अपनी मेमोराइज किया, उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो उसको लेकर उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात कही है जो काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ऐसी आप बातें मत करिए कि टूटने वाले आसार हो जाए, अलग होने वाले आसार हो जाए। तब उन्होंने कहा था ठीक है, अगर अलगाव हो भी गया तो मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि पहली बार मैं किसी एक देश का प्रधानमंत्री तक बन जाऊंगा। ठीक है, इस बयान ये तोड़ने वाला है कि नहीं है? कुमार विश्वास आपके पुराने साथी हैं, सबसे पहले तो आप ये बोलिए, आप ये बताइए मुझे कि कुमार विश्वास सच्चे व्यक्ति हैं या झूठे व्यक्ति हैं? मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के अंदर कुमार विश्वास की धर्मपत्नी जी को क्या ओहदा दिया गया अभी? नहीं नहीं, मैं ये जग जाहिर हो चुका। नहीं नहीं नहीं, कावेंद्र जी मेरी बात पूरी सुनिए आप पहले, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। और इस वक्त उन्होंने अपना जो धर्म है कांग्रेस के प्रति निभाया है, क्या ये देशद्रोह नहीं है कि किस तरीके से कुमार विश्वास ने, अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत को तोड़ने की बात कही तो क्या कुमार विश्वास के ऊपर केस नहीं होना चाहिए कि चुनाव के टाइम पे, एंड टाइम पे उन्माद फैलाने के मकसद से इस तरीके का बयान दिया उन्होंने? और अगर इस बयान में सच्चाई है, कुमार विश्वास के इस बातों में सच्चाई है, तो मैं आपसे कहता हूं उस चैनल पे बैठ के कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि कैसे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने देश तोड़ने की बात की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस सत्य है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कुमार विश्वास ने अगर इस बात को छुपाया जो कि देश के लिए गंभीर बात है, तो खुलासा कर दिया है। नहीं नहीं, खुलासा क्या किया, ये तो सीधी बात है कि चुनाव के वक्त में आप कांग्रेस के एहसानों तले दबे हुए हो और अनाप शनाप बोल रहे हो। मैं कह दूं मैं अमित शाह से मिला था, तब आपके एहसानों तले दबे थे, इसलिए बोल नहीं पाए थे, आज बोल दिया। नहीं, आज कांग्रेस के एहसान तले दबे हुए हैं तब ये बयान वो पंजाब के लिए दे रहे हैं? क्या ये बयान अगर सही थे तो 5 साल वो चुप क्यों थे? पिछला चुनाव में 17 से अब तक 5 साल बीत गए, क्या वो अगले 2022 का इंतजार कर रहे थे बैठ के, और या देश टूटने का इंतजार कर रहे थे? कुमार विश्वास जैसे लोग देश के लिए खतरा हैं।
और आज मतलब उन्होंने ये बात बता दी है, मेमोराइज कर लिया एक मेमोरी को, तो वो खतरा है, लेकिन जो मेमोरी है उसमें जो बातें हैं उसको आप नहीं समझ रहे। कामेंद्र जी जी मुझसे ये बातें कही, क्या कविंद्र जी झूठे हो जाएंगे या कविंद्र जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? चलिए ठीक है, पहले तो मुझसे पूछा जाना चाहिए ना कि कविंद्र जी ने ये बात कही, इसका क्या सबूत है, या आप कविंद्र जी पे ये बयान लगा रहे हो? आप कैसे? चलिए ठीक है, इसका जवाब भूदेव जी देंगे। भूदेव जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं काफी देर से, ठीक है, भूदेव जी इसका जवाब देंगे। भूदेव जी, कुमार विश्वास साहब ने, क्योंकि पंजाब के कॉन्टेक्स्ट पे डिबेट है इसलिए ये चीज भी जायज है पूछना भी, आपकी बात हो गई एक अलग, लेकिन साथ ही साथ इनके भी बात की गई है। कुमार विश्वास ने कहा है कि ये तो कह रहे थे कि अलगाव की बात कर रहे थे कि अलग हो जाएंगे, एक खुद के देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी ऐसी बातें कही कुमार विश्वास ने इनके लिए। देखिए काविंद्र जी, ये अब जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही पी पार्ट है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अरे सुनिए बैरन जी, देखिए काविंद्र जी, इनको पहले शांत कीजिए, बीच में मैं एक मिनट भी नहीं बोला, तमाम आरोप लगाए मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं इन्होंने तमाम आरोप लगाए मैं इनके बीच में नहीं बोला। देखिए पहले काविंद्र जी इनको सुनिए, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। देखिए देखिए, अरे सुनिए इनको, शांत कीजिए। अरे काविंद्र जी, वैभव जी, मेरी बात सुनिए, सुन रहे वैसे टाइम बर्बाद, हम आपको सुन रहे थे वैभव जी, हम आपको सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए। देखिए काविंद्र जी, न तो आम आदमी पार्टी न, अरे काविंद्र जी सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। देखिए काविंद्र जी, न तो आम आदमी पार्टी और नहीं भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में कहीं पर भी नहीं है। पहले ये उत्तराखंड में भी आए थे, वहां एक सीट नहीं आ रही है इनकी, न ये पंजाब में है, न गोवा में है, न मणिपुर में है, न भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये दोनों की दोनों ही पार्टियां बौखलाए हुए है, इसलिए ये टूटने और बांटने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो ये बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, और इसका खुलासा आज कुमार विश्वास जी ने कर दिया है कि ये वही सोच रखते हैं कि देश को कैसे बांटा जाए। 80 और 20 की सोच कौन रखता है, कपड़ों से कौन पहचानता है, जालीदार टोपी की बात कौन करता है, गुजरात गुजरातियों के लिए कौन कहता है? तो ये आप केवल ये जान लिए पूरे, अरे भैरव जी आप ही आप बोल लीजिए, आप माथा ठनका रहे हैं, बात कीजिए, क्यों बोलने का कोई मतलब, क्यों आप गुस्सा दिला रहे हैं? रुकिए अरे वैभव साहब रुकिए, वैभव जी आपको 10 मार्च को पता चलेगा, ठीक है वैभव जी एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं, वैभव जी वापस आपके पास आ रहा हूं, भूदेव जी ये देश विरोधी पार्टियां, ये देश को तोड़ने की बात करने वाली पार्टी, वैभव जी आप रुकिए, भूदेव जी आप रुकिए, सीधे मैं आऊंगा संदीप जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले भूदेव जी, संदीप जी के पास चल रहा हूं, लेकिन भूदेव जी कभी कभी भूदेव जी कभी कभी बुरा लगता है, भूदेव जी की आप, अरे रुकिए वैभव जी रुकिए जरा, ये वही पार्टियां हैं सेम, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर आज अरे काविंद्र जी, अगर आज शिक्षा पे, रोजगार पे, किसानों पे, दलितों पे, विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर के अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको एक सीट नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, कहां पर? केवल और केवल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कहां पर? मुस्लिम जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए ये सोचते हैं। भूदेव जी ठीक है, डिबेट पे रहिए, ठीक है वैभव जी आप क्यों बीच में, वैभव जी का म्यूट करिए, पहले वैभव जी का म्यूट करिए, पूरा बोलने दीजिए उसके बाद। भूदेव जी ये बताइए, नहीं पहले इनसे, ठीक है वो म्यूट हो गए। भूदेव जी ये बताइए, कभी कभी परेशानी लगती है कि आप कहां एक ऐसी पार्टी थे जो हमेशा जीतते रहे, आज आप एक ऐसी पोजिशन पे आ गए हैं कि जब आप अभी उत्तर प्रदेश का नाम ले रहे थे, आपने पंजाब के लिए तो बोल दिया कि कांग्रेस, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही आप आए आपने बोला बीजेपी नहीं आएगी, मतलब आपको यहाँ पूरा वो नहीं है कि हम आएंगे यहाँ पर, बीजेपी नहीं आएगी, सपा आ जाए दैट्स ओके। तो आप यहाँ सपा को जिताने आए हैं या खुद जीतने आए हैं, पहले ये बात बताइए, सपा को जिताने आए हैं या खुद जीतने आए हैं? काविंद्र जी, काविंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मिनट का टाइम, मैं बिल्कुल आपको एक मिनट का टाइम दूंगा, लेकिन इस बात के साथ आप खोलिएगा कि आप सपा को जिताने आए हैं या खुद जीतने आए हैं? नहीं मैं पूरा आपका जवाब दूंगा। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि 1970 से पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक
राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन वहां की जनता को किस तरह बरगलाया गया, जाति और धर्म के आधार पर उनको बांटने का काम किया गया। वहां पे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपा की सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी और बसपा की सरकार देखी। अरे सर, कानेंद्र जी पहले पूरी बात, आप भी ना, आप भी डिवाइड और डिवाइड बांटने की राजनीति आप करते हो। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो असली बात को, देश के लोगों को आप बताने देना ही नहीं चाहते हो कि आखिर मुद्दे क्या है इस देश के। मैं बता रहा हूं कि शिक्षा को लेकर के, देश के विद्यार्थियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसानों को लेकर के ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों ये केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं? क्यों ये अच्छी और बीस की राजनीति करते हैं? ये देश और प्रदेश के लोग जान चुके हैं इस देश में किस तरह कोरोना के समय कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए आए, उस बात का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। आप उत्तर प्रदेश में कुछ जीतने आए हैं, सपा को जिताने आए हैं। पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, सपा की नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में। सपा की नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में, नहीं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक है, देखिए आप शिल्पी जी, आप इतनी देर से सपोर्ट कर रही थी वो तो आप ही के पीठ पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप जी, नहीं आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आप बांटने की। कामेंद्र जी बिल्कुल शिल्पी जी ने सही कहा कि आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं भूदेव साहब, नाराज मत होइए, मैं बांटने की वो नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था कि आप यहाँ खुद जीतने आए हैं या फिर आप सपा को जिताने आए हैं, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो आपने पंजाब के लिए तो बहुत तेजी के साथ बोला ताल ठोक के कि पंजाब में कांग्रेस आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप फिसल गई। उत्तर प्रदेश की नहीं, नहीं नहीं उत्तर प्रदेश के जो हालात कोरोना के समय वहाँ के लोगों ने देखा कि कौन उनके साथ खड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार किए गए, जो फर्जी एनकाउंटर किए गए, वहाँ के लोगों के साथ कौन कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कौन कोरोना के समय खड़ा रहा। आज प्रदेश के जो बदतर हालात है वहाँ के विद्यार्थियों के साथ कौन खड़ा हुआ है, संदीप दुबे साहब के पास चलेंगे। ठीक है, देश की जनता देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक एक करके हो रहा है। ठीक है, एक एक करके संदीप दुबे साहब के पास चलेंगे, लेकिन आपने क्योंकि एक तार छेड़ दिया तो उसको थोड़ा सा बजाते हुए चलते हैं। आपने कहा कि देश के मुद्दे नहीं पता है, मुझे बताने दीजिए देश के मुद्दे क्या है देश को। अरे साहब, देश के एक एक नागरिक को पता है, दो चीजें बोलूंगा फिर संदीप दुबे साहब के पास आ रहा हूं। देश के हर नागरिक को पता है कि जो पार्टी जीत गई तो बढ़िया बल्ले बल्ले, और हार गई तो वही मैनिफेस्टो ना जिसमें देश के मुद्दे लिखे हुए हैं, वही आपके नेता फेंक देंगे बाजू वाले डस्टबिन में, ये सबको पता है। और देश के लोगों को यह भी पता है, शिल्पी जी भी सुनिएगा, देश के लोगों को यह भी पता है कि जात धर्म के नाम पर कितना भी बांट ले, कोई भी बांट ले आप लोग कोई भी, लेकिन देश में सिर्फ दो ही वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो आम जनता है, दूसरा है जो एरिस्टोक्रेसी वाला है। आजकल एक रथ बड़ा दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आधे लोग तो उस रथ को ही देखने जाते हैं, जिसमें बटन दबाओ तो छत पे चले जाते हैं, बटन दबाओ तो नीचे आ जाते हैं, तो वो है एरिस्टोक्रेसी, वो घूम रही है। और बाजू में जो जनता है जिसकी वो सेवा करने की बात कर रहे हैं, वो बाजू में दौड़ रही है उस रथ के। चलिए संदीप दुबे साहब, आपसे सीधा सवाल ये है कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस वक्त फाइट में जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइट में तो दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही है, आप इतना ज़्यादा फाइट में नहीं है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में जो पहले के दो चरण हुए हैं, दोनों ही चरणों में अगर पूरी व्यवस्था पर नज़र डालें, जो वोटिंग जो सेंटर हैं उन पर नज़र डालें, बूथों पर नज़र डालें, परसेंटेज पर नज़र डालें और पूरे आंकड़ों पर नज़र डालें, तो भी आपका जो किला है थोड़ा सा डगमगाता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे संदीप साहब? साथ ही एक बात कहेंगे, अभी कुछ समय बाद ये होगा कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो सीपी जी कहेंगे कि ईवीएम जो है खराब था, ईवीएम में हेराफेरी हो गई। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष है, कहीं 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 करोड़ा भानुमति ने पुनबा जोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पुनबा जोड़ के इनके प्रकरण ये है कि राष्ट्रवाद इस देश में हार जाए, और ये लोग पाकिस्तान के नाम से गुस्सा जाते हैं। लेकिन सिद्धू जी जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिद्धू जी के साथ खड़े हो जाते हैं, चन्नी साहब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, खड़े तो ये होते ही उन्हीं के साथ हैं, लेकिन बात अगर होगी तो गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ पंजाब के संदर्भ में, कि हम बराबर एक बात कहते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर बेहतर सोचना करना चाहिए। आज तो मैं सैल्यूट करूंगा बुद्धदेव भाई को कि विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, वो न यूपी हार रहे हैं, न उत्तरांचल हार रहे हैं, न गोवा हार रहे हैं, और न पंजाब तो हारने की बात ही नहीं, क्योंकि उनकी सरकार है तो उन्हीं को हराने में सब लोग लगे। लेकिन बैटिंग 10 मार्च को कांग्रेस से तो ये सीखने की जरूरत है।
शिल्पी दीप पे आज नहीं नहीं 10 मार्च को संदीप जी 10 मार्च को ये रिजल्ट बताएगा क्यों ये गुस्से में आ गई हो क्यों गुस्सा ही नहीं तो हमेशा के हंसते हुए बात नहीं 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 गुस्सा नहीं है जो विषय है देश के सभी लोगों से प्रेम है अरे शिल्पी जी के लिए बोल रहे हैं बुधेश साहब आप कहां बैटिंग कर रहे हैं कर रहा है कि बात सुनिए ना बुद्धे जी ये गुस्सा साफ साफ जाहिर कर रहा है आप दोनों लोगों का कि उत्तर प्रदेश तो आप आ नहीं रहे हैं और पंजाब भी आपके हाथ से जा रहा है रही बात आम आदमी पार्टी की मैं कभी बुराई नहीं करता हूँ वो लोग ईमानदार लोग हैं उनका पास उनके पास नैतिक बल है और मुझे लगता है कि राजा हरिश्चंद्र जी के बाद इस भारत में कोई राजा है जो सिर्फ कसम खा के और मुकर जाता है तो कसम को बहुत अच्छे तरीके से किसी ने इस्तेमाल किया है आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और जनता उस कसम को अब समझने लगी है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या ये चलता रहता है तो हम लोग को क्या है कि मूल्यांकन करने की जरूरत है और लेकिन मैं एक बार बार कहूंगा कि आज जो घटना घटी है आज जो प्रियंका दी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का बिहार के लोगों का अपमान जो हुआ और उसको उन्होंने सहा और मुस्कुराते हुए सहा मुस्कुरा रही थी तो ऐसे बहु को जो बेटी बन के प्रदेश में है प्रदेश की जनता वोट न देके जवाब देगी और 10 तारीख को बुद्धदेव भाई देखिएगा आपको जवाब इसका मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया कांग्रेस के लोगों का बहिष्कार किया ठीक है संदीप दुबे साहब आपने एक बात ऐसी छेड़ी आपने कहा शब्द कि इस शब्द से इन्हें नाराजगी है इस शब्द से इन्हें नाराजगी है सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं शिल्पी जी की पार्टी का कि उन्होंने ईमानदारी शब्द के मायने बदल कर रख दिए हैं अब कोई ईमानदार बोलता है तो सामने वाला कम से कम 10 मिनट कन्फ्यूजन में रहता है कि कौन सा वाला ईमानदार बोला है अखिलेश जी वाला ईमानदार बोला है कौन सा वाला ईमानदार पहली चीज दूसरी चीज आपने शब्दों का जिक्र किया आपने कहा कि पाकिस्तान सुनते ही शिल्पी जी भड़क उठी क्योंकि आपको शायद ज्यादा फेवर कर देता होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेकिन एक और शब्द है जिसको सुनकर आप भी ठीक नहीं लगते हैं वो है गृह राज्य मंत्री ये सुनते ही आप भी पार्टी के लोग भी ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाते तो यहां भी समस्या क्रिएट हो जाती है खैर नहीं मैं तो एक्सेप्ट करता हूं उन्होंने गलत किया उनका बेटा जेल में रहा ठीक आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं किया कांग्रेस विपक्ष के लोगों ने माहौल बनाया तो हमें लगता है कि वो जांच कर नहीं किया है किसानों को गाड़ी से रोन दिया गया और आप कह रहे हो माहौल बनाया चलिए ठीक है उस पर डिबेट नहीं है वो एक तंज के लिए था ठीक है चलिए आगे आएंगे उस पर डिबेट नहीं है आगे आएंगे शिल्पी जी विपक्ष की जादू नहीं चल रहा है ठीक है शिल्पी जी एक बात बताइएगा मुझे कि एक नैतिकता होती है देखिए शिल्पी जी आप बिल्कुल भी भड़किएगा नहीं एक नैतिकता होती है मैं आपको बताता हूं क्या चीज अगर कोई ऐसी बात हो रही थी जिसको कि आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबा हो एक घंटे पहले कोई फलानी बात की थी उसको लेकर यहां कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कोई बात नहीं आप कितना भी गंभीर मानती हो ना मानती हो यह आपका व्यक्तिगत मसला हो सकता है ठीक है लेकिन एक और चीज है कि अगर कोई चीज ऐसी है जिससे आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग ऑफेंड हो जाएंगे तो आप वो बात नहीं कहेंगे और 2016-17 के बीच आप देखते थे कि जब आप ही के राजनीतिक पार्टी के जो मंच होते थे वहां पर लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था लेकिन चार लोग आते थे बीच बचाव करने मनाने हटाने तो ऐसा हो सकता था यहाँ भी अगर कोई बात वो ऐसी कह रहे थे जो ठीक नहीं थी तो प्रियंका जी कह सकती थी कि नहीं ये ठीक नहीं है तो इतना तो कम से कम आप एक दूसरी पार्टी होने के नाते इतना तो आप बता सकती हैं भूदेव जी को नहीं मैं क्यों बताऊं नहीं आप टोटल सपोर्ट कर सकती हैं देव जी बता भी सकती हैं थोड़ा सा नहीं नहीं मेरी बात होने दीजिए ना मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं मैं क्यों बताऊं वो उनकी पार्टी है उनकी नीतियां हैं उनकी जनसभा थी उनका मंच था और उन्हीं के नेता थे ठीक है दूसरी बात जितना भी आपको जो कुछ भी करना हो आप करते रहिए जनता का विश्वास मीडिया से भारतीय जनता पार्टी से इस कदर उठ चुका है कि आप लोग कुछ भी कर लेंगे जनता किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है आप कोई भी शब्द ले आइए आप कोई भी इंसिडेंट ले आइए जनता के पास बेरोजगारी सुरक्षा ये मुद्दे हैं स्वास्थ्य कोरोना टाइम उनके पास मुद्दा है तो आप लोगों का ये जो जादू है ना ये चल नहीं पा रहा दूसरी बात संदीप जी कह रहे हैं मेरी बात पूरी नहीं कर रही हूँ ठीक है मैं
किसी भी अगर ये बेस्तुके मुद्दे सामने लाए जाएंगे, मैंने हमेशा कहा है कि हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान करने की डिबेट पे मुझे मत बैठाइए, मैं बैठना नहीं पसंद करती, मुझे पता है ये मुद्दे नहीं है। मैं दिन भर प्रचार में थी, मैं दिन भर की थकी हुई, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने बार बार कहा है मैं नेता हूँ, और आप प्रवक्ता दिन भर घरों में बैठे रहते हैं और शाम को डिबेट में सज बच के बैठ जाते हैं, तो आप मुस्कुरा सकते हैं, मैं दिन भर की थकी हुई, आप लोग खींच लेते हैं। तो भाई जाहिर बात है ये फालतू के मुद्दे हैं, इन मुद्दों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है, प्रियंका यहाँ पर लोकप्रिय है, वो अपने क्षेत्र में आ रही है, वो अपना बात कर रही है, करने दीजिए, जो भी पार्टी यहाँ आ रही है लड़ाई लड़ रही है उसका स्वागत करिए, जनता को तय करने दीजिए, आप हम नहीं तय करेंगे, जनता अपने मुद्दों से तय। लेकिन भी पहली बार हुआ है कि बेटियां अपनी मायके का अपमान सह रही हैं, बेटी जो है अपने मायके का अपमान सहेंगी, अपने भाइयों का अपमान सहेंगी? ये तो प्रियंका जी जवाब दे। संदीप जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं बुधे बीच में संदीप जी, बेटियों का जो अपमान उत्तर प्रदेश में, ठीक है ठीक है ठीक है, हवा मत क्रिएट करिए, ठीक है, आप उस पर एक सेकंड शिल्पी जी, ठीक है, अरे संदीप 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 कोई फायदा नहीं होगा, आप देखिए शिल्पी जी ने, शिल्पी जी ने पके पकाए दूध में नींबू डाल दिया, अभी अब देखिए पूरा, ठीक है शिल्पी जी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं सच में बहुत कम इंप्रेस होता हूं हालांकि नेताओं से, लेकिन आपने कहा कि हम नेता हैं और आपने जो बातें रखी ये सच में मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि यही असली मुद्दे हैं। ठीक है, जो विकास का जो पूरा पैकेट होता है उसमें दरअसल यही तो मुद्दे होते हैं, विकास क्या है, विकास यही तो है, बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा इसी सबको मिलाकर विकास बनता है, इसी के पैमाने पर होता है। लेकिन ये हर बार होता है, 2012 2017 हर बार यही मुद्दे होते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है हर बार यही होता है, 2017 में भी जब मैं डिबेट करता था तब भी यही चीज़ थी। अब एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा शिल्पी जी, शिल्पी जी आप क्योंकि नेता हैं और नेता जो होता है वो अपने से ऊपर वाले नेता के बड़ा करीब होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जी को आप ट्वीट भी कर सकती होंगी, उनसे आप मेल भी कर सकती होंगी, और मुझे पता है कि आप फ़ोन पर भी उनसे बात कर सकती होंगी। तो क्या शिल्पी जी आपने कहा कि बाकी जितनी बातें हैं पाकिस्तान जिन्ना ये सब उल जुलूल फजूल फिजूल के मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं वो आपने बताया कि पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्क्रीन पर लीजिए जरा, तो ये सब आपने मुद्दे बताए। लेकिन एक और चीज़ है शिल्पी जी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अखिलेश जी से फ़ोन से बात होती है तो आप उनको फ़ोन करिए और एक चीज़ ज़रूर पूछिए उनसे, एक चीज़ उनको ज़रूर बताइए कि आज अखिलेश जी ने जो एक बयान दिया कि बीजेपी की 10 मार्च तक यहाँ की जनता जो है वो गर्मी निकाल देगी और धुआं निकाल देगी, तो गर्मी निकाल देगी धुआं निकाल देगी ये कैसे बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा से जनता निकालेगी? हाँ। क्यों? अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हाँ। मैं सबको ठंडा कर दूंगा, शिमला बना दूंगा, हाँ। तो देखिए जनता है, जनता हाँ। आ रही है, और जनता इतना दो पहले चरण आपने खुद कहा अपने अपनी हाँ। डिबेट में कहा कि पहले के दो चरण उतने संतुष्टिजनक नहीं है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के वोटर निकले नहीं है, हाँ। बरेली में रामपुर गार्डन जो इनका गढ़ था वहां के बूथ खाली थे, कमाल है ये डिबेट में चल रहा है कि इतना चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं, तो गर्मी निकल रही है उसमें नेता अगर कह रहे हैं तो क्या वो? और आपने जो बात कही ना कि मैं मेरे नेता के सामने मुद्दे ले जाती हूँ, तो पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी का मुद्दा आज से 2 साल पहले जुलाई 2019 में मैंने मेरे नेता के समक्ष रखा था, और मुझे बहुत खुशी है कि आज से 8 महीने पहले जब मैंने दोबारा उनको रिमाइंडर दिया, आज वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में। तो जाहिर बात है हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों पे हैं। ये जो गर्मी निकाल देंगे धुआं निकाल देंगे ये था, ये काउंटर था दरअसल जो योगी जी ने कहा था उसका काउंटर था, बिल्कुल ठीक है, मतलब आप काउंटर करते हैं योगी जी इस तरीके की बात, अगर वो ए बोलेंगे तो आप बी बोलेंगे, ठीक है, तो योगी जी ने जो तमाम जगहों के जो नाम बदल दिए तब आप कहेंगे, तब आप राहुल गांधी की तरह कहेंगे कि फलाने तो ये हैं फलाने तो वो हैं, आपने राहुल गांधी जी का आपने नहीं मीडिया ने किस तरीके से मानहनन किया है, क्या कभी अखिलेश यादव ने योगी जी के लिए कुछ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए? समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ कैसे, ठीक है एक बात बताइए मुझे शिल्पी जी, आपने कहा कि बीजेपी ने दरअसल ए बोला था, बीजेपी ने आप ठीक है आपने कहा ठीक है आप मुद्दों की बात कर रही थी कि ये मुद्दे होने चाहिए, मैंने आपसे कहा ये मुद्दे तो बोल नहीं रहे अखिलेश जी, तो आपने कहा जो अखिलेश जी ने गर्मी वाला और धुआं वाला जो बात बोला वो दरअसल योगी जी की बात का काउंटर था, तो आप हर बात का काउंटर करते हैं, मतलब आपके पास हर सवाल का जवाब, तो योगी जी कह रहे हैं कि जो नाम बदले गए हैं वो दरअसल हमारी संस्कृति पर हमला हुआ था, इसलिए कई जगहों के नाम जो आक्रमणकारी थे वो आए उन्होंने बदल दिए, तो हमने फिर से उन्हें बदल दिए, तो अब आप ये कहेंगे ना कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर जो पुराने नाम थे उन्हीं पर वापस आएंगे? हम सत्ता में जब आएंगे जो करेंगे वो जनता के सामने होगा,
योगी जी के पास और कोई काम नहीं था, दूसरों के काम के फीते काटना और बचा खुचा नाम बदलना। नाम बदलने से क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो गया? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल गई? क्या लखीमपुर खीरी में जिन महिलाओं की साड़ियां खींची गई, जिनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या हापुड़ में जो लड़की जला करके रात में मार दी गई परिवार को, राजस्थान इसमें नहीं जाएंगे? ये बहुत 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 ज्यादा डीप डिबेट होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। राजस्थान में गहलोत सरकार है, एक दिन में 18 रेप होते हैं और टॉप पे है सब। राजस्थान इस वक्त टॉप पर है रेप के मामले, 18 रेप होते हैं। बहुत सारी चीज है, आप उधर भी जाकर उधर की चर्चा कर सकते हैं। क्या किया है तो आप उसमें नहीं जाना चाहते? अरे भूदेव साहब, आप ही बैकफुट पर आ जाएंगे अभी। ये रेप वाली डिबेट नहीं है कि कहां कितने ज्यादा बलात्कार होने, गलत चीज। राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है भूदेव साहब। नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट शायद आपने नहीं देखी, शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। नहीं, आपने नहीं देखी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो क्या है, राजस्थान में नेगेटिव हो गए अपराधों के आंकड़े, और जबकि उत्तर प्रदेश में 5% की, शायद 5% बढ़ोतरी हुई है और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ोतरी हुई है। आप ये आंकड़े देखिए, इस तरह से हवा में बात मत कीजिए। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो एक सेकंड, आप इसमें जाना नहीं चाहते? ये बताइए, मुझको क्लियर करिए जरा। मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ तब तक मेरी नॉलेज में ये था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मैं गठबंधन में नहीं है, पहले ये क्लियर करिए, मैं गलत तो नहीं हूँ या मुझे नॉलेज नहीं है इस बात? जनता के हित में नहीं, गठबंधन से इसका क्या मतलब है? आज जो वहाँ सत्ता में पार्टी है, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई। सत्ता में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? क्या 5 साल में उन्होंने एक सिंगल नौकरी किसी बेरोजगार युवा को दी? क्या किसानों की उन्होंने हत्या नहीं की, उनके मंत्री ने? क्या वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके नहीं जलाया गया? आप इन मुद्दों से भागना क्यों चाहते हो? जैसे ये मुद्दे आते हैं आप उसमें जाना नहीं चाहते, आप उसमें जाना नहीं चाहते। अरे जो पार्टी सत्ता में, आपके नेता भूदेव साहब, अब आपके नेता वहां पर ताली बजाएंगे और आपके नेता कहेंगे कि भैया को आने नहीं देना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करेंगे, बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे और सीधे तौर पर कहेंगे कि ये यहाँ आ नहीं सकते और हम मुद्दों को लेकर आते हैं। ठीक है, छोड़िए इस बात को भूदेव साहब, छोड़िए इस बात को। एक बात बताइए, भारत को डिविसिव पॉलिसी तरफ क्यों ले जाना चाहते? ये पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपने पूरे के पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उनका बिल्कुल भी आते ये नहीं था। ये देश में कोई भी व्यक्ति, सुनिए संदीप जी, आप हमें ये पता होना चाहिए कि देश का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है कि आपको भी और काविंद्र जी को भी पूरे वाक्य को सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जो केजरीवाल जी की रैली में जो लोग यहाँ पे भर के लाए जा रहे हैं, जो नेगेटिव परसेप्शन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने इस वाक्य को बोला था। ठीक है, वहां पर यूपी और बिहार के लोगों के लिए, ठीक है, वहां पर ठीक है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ करती है जिसमें आप जाना नहीं चाहते। हकीकत ये है, अपमान नहीं लगता? अपमान की बात नहीं, कुछ गलत उन्होंने क्या गलत बोला है कि अगर आप भर करके लेके आएंगे यहाँ के लोगों के, उनको जब वहाँ वोटिंग का अधिकार, अगर नेता भूदेव साहब ठीक है, भूदेव साहब दो मिनट सुनिए, मैं संदीप जी के पास आ रहा हूँ। भूदेव साहब, अगर आपने कहा कि कोई भी नेता कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल भी गलत नहीं बोला है, तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है। आप इस बात को मत बोलिए कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ आने नहीं देंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कैसे? आप जब से महाराष्ट्र गए हैं, जब से आप शिवसेना के साथ जुड़े हैं, मिले हैं, तब से आपका थोड़ा सा दिमाग यही वाला हो रहा है। शिवसेना के साथ जब से आपने सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, तो वो आप पॉलिसी है पंजाब में भी, अरे लागू करना चाहिए आपकी, नहीं आने देंगे यूपी बिहार के लोगों को, नहीं आने देंगे। कैसे रोक लेंगे आप? महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में बनाई थी सरकार, तो आप उसकी भी बात क्यों नहीं करते हो? अरे तो उसकी शर्ट काली है तो मेरी भी शर्ट काली है, तो क्या मतलब मुझे भी काली करनी है? नहीं काली है तो स्याही डाल के काली कर लूंगा। काली करना जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई तो वो देशभक्त नहीं रही? केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सरकार बनाएगा वही देशभक्त रहेगा? आप लोगों के लिए वही राष्ट्रवाद है? असली राष्ट्रवाद वो है जो इस देश का विकास करने के काम करे, इस देश के युवाओं को रोजगार दे, इस देश के किसानों की बात करे, राष्ट्र के किसानों की बात करे, की बात नहीं, राष्ट्र के किसानों की बात करे, राष्ट्र के युवाओं को रोजगार देने की बात करे, यही तो कह रहे हैं। देश के मजदूरों की बात करे, इस राष्ट्र के मजदूरों की बात करे, राष्ट्र के बेरोजगारों की बात करे, राष्ट्र के युवाओं की बात करे, यही कह रहे ना? असली राहुल गांधी नहीं मान रहे, वो कह रहे राष्ट्र नहीं है ये, क्यों नहीं ये यूनियन है, सिर्फ यूनियन है, नहीं मान रहे भाई? आप मत बोलिए, आप क्यों पार्टी लाइन से जा रहे हैं? ठीक है संदीप दुबे साहब, नहीं किसने नहीं माना पार्टी लाइन से, किसने अलग माना? आपको संविधान को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, शिल्पी जी कुछ कह रहे हैं, शिल्पी जी कह रहे हैं, फिर उसके बाद कवीन जी
चलिए सारे नेताओं की आपने बात कर ली, मेरा एक सवाल है क्या एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, हर व्यक्ति हर वक्त भूमिका में होता है, मुझे बता, हर व्यक्ति भूमिका में होता है, इस वक्त आप उस भूमिका में नहीं है कि सवाल करें, आप नेता हैं, आप जवाब दीजिए, आप क्यों सवाल की पोजीशन में आ रही हैं? आपको अगर सवाल करना है तो आप एक काम करिए, आप किसी मीडिया चैनल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए, एक 6 महीने इंटर्नशिप करिए, फिर ट्रेनिंग करिए, रिपोर्टर बनिए, फिर उसके बाद 5 साल बाद आइए तब सवाल करिएगा, छोड़िए अब इस चीज को। अरे भाजपा के दो प्रवक्ता बैठे हैं क्या, योगी जी की बात नहीं करना चाहते? भूदेव जी के ऊपर आप क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट, ठीक है तो ले लीजिए थोड़ा सा एएनआई वाले क्या पे मैं विषय पे आप ठीक है, ठीक है, शिल्पी जी देखिए आपने दो बातें कही और बड़ा इम्पोर्टेंट कहा आपने, राष्ट्रवाद को बहुत अच्छा परिभाषित किया कि राष्ट्रवाद विकास को लेके, बिल्कुल विकास को लेके है, क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि प्रधानमंत्री रहने के बाद मम्मा भी प्रधानमंत्री रही, वो भी प्रधानमंत्री रहे और कहे कि योजनाओं का 97% धन जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, ये राष्ट्रवाद है कांग्रेस का कि उनको पता है कि देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो संदीप जी उन्होंने एक्सेप्ट किया जो थी उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया, बोल रहे थे आपने बहुत अच्छा राष्ट्रवाद की परिभाषा दी, और वो आदमी आपके लिए बुरा हो गया जिसने हर व्यक्ति का अकाउंट खुलवा दिया, हर व्यक्ति को चावल आटा दाल नमक जो भी फरवरी से आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक बेरोजगार बेरोजगार कोरोना में जो ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन एक बात और ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन एक बात और संदीप जी ठीक है, भूदेव साहब ठीक है, अरे ठीक है भाई, अरे फिल्म खत्म नहीं हुई है कि आप लोग थिएटर में शोरगुल्ला शुरू कर दिया, रुकिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट भूदेव साहब आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, भूदेव साहब पूरा आपको मौका दे रहा हूं, एक मिनट रुकिए, संदीप जी, अरे कामेंद्र जी, संदीप जी ये राष्ट्रवाद नहीं है कि देश के विद्यार्थी अगर रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं तो उनको उनके हॉस्टल में उनके रूमों में घुस करके पुलिस से पिटवाना, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये देश विरोध है, ये देश विरोधी है, तो जो देश के युवाओं को जो इस देश की युवा संदीप दुबे साहब ठीक है, हो गया ठीक है, चलिए ठीक है भूदेव साहब मिल गया, आपका वर्जन मिल गया, संदीप दुबे साहब आप डिबेट कर रहे हो, ठीक है, उनका अगर पैसा आमजनों से लूटा जा रहा है उसको रोकने का काम अगर देशद्रोह है तो बुद्धे भाई आपको तो देशद्रोह और राष्ट्रवाद की जो ये वो नोटबंदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन आएगा, संदीप दुबे साहब काला धन आएगा, भूदेव साहब संदीप दुबे साहब शिल्पी जी एक बात बोल रही थी भूदेव साहब बंद कीजिए, अरे भूदेव साहब कैसे ठीक है, न 15 लाख रुपए मिले न जीएसटी के बाद, भूदेव साहब रुके ना नोटबंदी से काला धन आया ना आतंकवाद खत्म हुआ, तो ये जुमले देना बंद कीजिए, ठीक है देश की जनता जान चुकी है। संदीप दुबे साहब एक सवाल है आपसे कि आप इतना ठीक है, आप इतने अच्छे से बैठे हैं, हर चीज़ ठीक है, आप बिल्कुल जब आपको समय है तभी आप बोल रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया है, लेकिन एक और चीज़ बताइए, शिल्पी जी भी शायद उसी बात को कह रही थी कि आप हर तरह से तरीके निकालना बड़ा अच्छे से जानते हैं, ये भोले भाले लोग हैं कांग्रेस के, आप ऐसे समझते हैं कि ये लोग खुलकर बोल देते हैं, कोई भी बात दिल की आती है जुमा पर आ जाती है, बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आप बड़ा दिमाग से चलते हैं, जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग ये कहते कहते थक जाता है और हम यहां पट्टियां चलाते चलाते ब्रेकिंग करवाते करवाते थक जाते हैं कि 6 बजे प्रचार थम गया, 6 बजे प्रचार थम गया, और एक युवा, मैं बताऊं कासगंज की बात बताऊं, कहीं की भी बात बैठा लेता हूं, मैनपुरी कासगंज कहीं का भी, सुबह 6 बजे जब वोट देने निकलता है, रास्ते में अगर फोन खोलता है और चैनल का कोई भी पेज लाइव खोलता है तो या तो उस पर प्रधानमंत्री जी बैठे होते हैं या तो उस पर मुख्यमंत्री जी बैठे होते हैं, तो ये प्रचार का जो आपने बड़ा ही वैज्ञानिक तरीका खोज निकाला है कि आप एक ऐसी जगह बैठ जाते हैं कि सभी उसको काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प तरीका है आपका, संदीप जी। नहीं मित्र, राहुल जी का भी ऐसा ही है, प्रियंका जी का भी है, अखिलेश भाई का भी ऐसा ही है, सभी राजनीतिक पार्टियों का आजकल फेसबुक भी पेज बना हुआ है, यूट्यूब भी चैनल्स बने हुए हैं, और जब कोई बात रखी जाएगी तो आजकल मीडिया की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, तो एक तो मतलब निर्वाचन आयोग को आप एक चिट्ठी लिख दीजिए कि ये बंद करिए, ये 6 बजे प्रचार खत्म है, ये सब कोई मतलब थोड़ी रहा इसका, फिर सफल है कि आप रास्ते से टेंट पोल से एक बैनर हटवा देते हैं, फड़वा देते हैं किसी का, और यहाँ टीवी पर बड़ा बड़ा फोटो आता है आप लोगों के नेताओं का, तो ठीक नहीं है ना, फिर ये तो मजाक हो जाता है।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह के काम नहीं होते। मैं सिर्फ इतना मतलब देखिए कितना हास्यास्पद है कि मैनपुरी एटा कासगंज में कहीं कोई गोलू चुनाव वाले दिन एक अगर टोपी लगा लिया सपा की या फिर कोई सुरेश गमछा डाल लिया भाजपा का, पुलिस उसे पुलिस चार डंडे मार के अंदर कर देगी और प्रधानमंत्री जी खुद लाइव बैठे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। बूथ तक जा रही है, कभी कभी जनता देख के चेहरा कहती है कि भाई मैं समाजवादी पार्टी को दूंगी या दूंगा, और जब अंदर जाते तो बीजेपी को राष्ट्रवाद को वोट देके आते। आपको कैसे पता अंदर किसको वोट दे रही थी? आपको कैसे पता? इनको कैसे मुझे पता? दिल का पता है ना, ये दिल जो है, ये दिल जो है दिल का पता है, जिसने दिल जीता है उसी को वोट मिलेगा। बड़ा अच्छा किया आपने, आपने बड़ा अच्छा किया, ये जो आपने बिल फाड़ा है दिल के नाम पर, ये बड़ा अच्छा किया संदीप दुबे साहब। संदीप दुबे साहब बड़ा अच्छा काम किया जो बिल पूरा दिल के नाम पर फाड़ दिया। हालांकि अब 10 मार्च को ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी, 10 मार्च को पता लगेगा कि शिल्पी जी जो शुरुआत में नाराज़ हो गई थी, हालांकि हंसते हंसते जा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी जी, आप यूं ही मुस्कुराती रहें हंसती रहें। भूदेव शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे से आपने सुंदर तरीके से सवालों के जवाब दिए। संदीप भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की चर्चा ये थी कि आखिर क्या जो पंजाब में हुआ है ये देश के लिए ठीक है? क्या पंजाब की धरती से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित किया जा सकता है? ये किस हद तक ठीक है, किस लेवल तक ठीक है? इस पर चर्चा थी, इस पर चर्चा हुई, तमाम जो हमारे साथ मेहमान थे उन्होंने जवाब दिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।